जुड़े रहें NN वार्ता के साथ। आज शाम 6 बजे को बौरपथार थाने के अंतर्गत एक बस में से 275.31 ग्राम वजन की हीरोइन बरामद किए गए। आज 23 जुलाई को गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए ओसी बौरपथार SI UB दीपेन बोरुआ, SI UB विप्लव दास, SI विधा बोरा, SI हुसैन अहमद लश्कर, C20 CRPF बोकाजान कैंप द्वारा बौरपथार PS के तहत खाखराजान में एक विशेष नगर स्थापित किया गया था और बौरपथार PS स्टाफ शाम लगभग 6 बजे पंजीकरण संख्या AS01GC5833 एक बस को रोका गया और बस के अंदर से 275.31 ग्राम वजन की हीरोइन के 20 साबुन के डिब्बे बरामद किए गए। गिरफ्तार हुए तस्कर के नाम संतोष थापा 31 वर्षीय, पिता गज बहादुर थापा, गांव दिलाई, 12वीं मिल थाना दिलाई, जिला कार्बी अंगलोंग, जौंदा से PS SDPO बुकाजान की निगरानी में मादक पदार्थ जब्त किया गया। बुकाजान से संवाददाता इमानुअल तिसो का रिपोर्ट। मंगलवार से लापता आसाम के 4 बाइकर्स अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में शुक्रवार को मृत पाए गए। खबरों के मुताबिक वे एक साहसिक यात्रा के लिए अरुणाचल प्रदेश के तावांग जा रहे थे और मंगलवार को लापता हो गए थे। उनके सब उसी इलाके में मिले थे। युवकों की पहचान नयन बसुमतारी 30 साल, हेरोकी बोरो 32, वेदांता बोरमहला 30 और संजीव दास 34 साल के रूप में हुई है। वे असम से विभिन्न मोटरसाइकिल राइडिंग क्लबों के सदस्य भी थे। सूत्रों के अनुसार वे 19 जुलाई को नौगांव से तावांग जा रहे थे। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद उनके परिवारों का उनसे संपर्क टूट गया था। पश्चिम कामेंग जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 4 व्यक्तियों के शव और उनकी कार जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, भालुकपुंग क्षेत्र के पास सेसा झरने के कुछ किलोमीटर आगे एक नदी तट के पास एक गहरी खाई में पाए गए। अधिकारी ने कहा कि घने कोहरे के कारण उनकी कार सड़क से फिसल गई होगी। हालांकि दुर्घटना की सही कारण अब तक नहीं चल पाया है। पुलिस ने उनके शवों को खाई से निकालने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। एनएन वार्ता ब्यूरो। हिंदी में कार्बी आंग्लों की ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें पुरुर वांग थोक।